It won't be just one remedy. हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप में हूँ शांतम, हुक का सुपरस्टार। आपका स्वागत है शीशा 360 में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसको देख के मेरे मुंह से निकला था OMG। दोस्तों, वो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है एस्पायर का प्रोटीएस ई हुक्का, ई चिलम एंड ई हेड। तो अब हम इसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मैनुअल निकला है, उसके बाद निकला है इसका मेन चीज, और इसके अंदर है आपका दो बैटरी जो 2600 mAh की बैटरी है, और एक इसमें कॉइल निकली है, और एक इसमें निकला है USB चार्जर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। यह है इसका ई टैंक जो है, इसका ग्लास का बना होता है। ग्लास का बना होने के कारण इसके अंदर जो है 10 ml लिक्विड आता है, और बहुत ही अच्छा स्मोक ये देता है। और अभी सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे इसकी कॉइल। कॉइल को लगाते समय ध्यान रखना है, पूरी तरह संपूर्ण रूप से इसे टाइट कर देना है। ये देखिए, मैंने इसे टाइट कर दी है पूरी, जिससे आपका फ्लेवर लिक्विड जो है वो यहाँ से नहीं टपकेगा। एंड देन टाइट करने के बाद में फिर हमें ये जो कैप है, इसके अंदर एक पूरी सिलिकॉन की ग्रिप है, और सिलिकॉन की ग्रिप के साथ में हमें इसे यहाँ पर इसे फिट कर देना है। इस प्रकार से लॉक हो जाएगा ये पूरा। और उसके बाद में फ्रेंड्स, ये जो रबर है हमने यहाँ से निकाली, ये रबर के अंदर से हमें इस छेद के अंदर सारा ई लिक्विड डालना है। तो आज हम ई लिक्विड डालेंगे इसके अंदर, अलशान का 50 ml जूस जो बिल्कुल न्यू मार्केट में लॉन्च हुआ है। इसमें टोटल 8 वेराइटी है। मैं टोटल 8 वेराइटी के नाम आपके सामने पढ़ रहा हूँ। TF, फैट बॉय, आइसक्रीम, बिग बॉस, मिल्कमैन, डेविल टीथ, डोनट मैन एंड ड्रीम क्रीम। तो हम आज यूज़ कर रहे हैं डेविल टिप। तो इसको किस प्रकार से डालना है ये देख लीजिए आप। पहले चरण में आप इसे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा भर दें, और कम से कम इसे लगाने के बाद में हमें 5 से 10 मिनट तक वेट करना है, एकदम नहीं पीना है। ये हमने इसे भर दिया है। आपका जो एक सेशन इसका फुल भरने का मीन्स है, आप इसे 1 आवर तक कंटिन्यूसली चला सकते हैं, स्मोक ले सकते हैं। अगर दो लोग आप लोग बैठे हैं तो कंटिन्यूसली 1 आवर तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, स्मोक ले सकते हैं। अब हम इसकी लगाएंगे बैटरी। तो पहले इसे लगा देते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, इसे यहाँ पे हमने इस प्रकार से कस दिया। ये पूरा टाइट होना चाहिए दोस्तों। अब ये जो दो बैटरी आप देख रहे हैं, इन दो बैटरियों को दोनों के माइनस पार्ट आप देखिए, प्लस और माइनस दो चीज़ें हैं। तो जब हम इसे यहाँ पर खोलेंगे, खोलने के साथ साथ आपको इसमें इसके कैप के ऊपर दिखेगा कौन सा पार्ट आपको किस प्रकार से कहाँ पर लगाना है। और इसके साथ में एक आपको रबर मिलती है जो किसी भी हुक्के में फिट हो सकती है। ये आप देख रहे हैं, इसमें माइनस का साइन बना हुआ है। तो माइनस वाला पार्ट हमें बाहर की तरफ रखना है, और प्लस वाला पार्ट हमें इसके अंदर एस्पायर की जो दो बैटरी है 2600 mAh की, वो हमने इसमें डाल देना है। अब हमारी ये पूरी चिलम तैयार हो चुकी है। जो इसके अंदर की कॉइल है वो पूरी संपूर्ण भीग गई है। अब हम इसे हुक्के पे लगाते हैं और इसका स्मोक चेक करते हैं। तो दोस्तों, इसकी कुछ और भी मैं आपको खासियत बता दूं कि इसके अंदर 2600 mAh की दो बैटरियां होती है, मीन्स 5200 mAh इसकी टोटल बैटरी एक है। तो आप इसको USB से एक तो चार्ज भी कर सकते हैं इसकी बैटरी को, और साथ में ये कम से कम 3 to 4 hours आपका नॉन स्टॉप चलेगा। अगर आप एक एक घंटे के 3 से 4 सेशन चलते हैं, और आप मान के चलिए कि अगर 10 ml इसमें लिक्विड डलता है इसके टैंक के अंदर, तो आप इसमें अलशान के 50 ml से आप इसको 5 बार रिफिल भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अब पहले इसे हम लगाते हैं और आपको स्मोक करके दिखाते हैं। उसके बाद आपको इसमें जो भी रबर होती, किसी भी, अभी मैं इसको वुक्का ब्रांड हुक्के के अंदर लगा रहा हूँ, और लेट्स
ट्राई टू स्मोक, इसके अंदर एक लाइट जलती है पीछे, जो लाइट आपको स्मोक में बताएगी कि इसका स्मोक। और इसे खींचने के समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें धीरे 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 इसे खींचना है, एकदम से तेज़ी से हुक्के की तरह नहीं खींचना है, बहुत स्मूथ तरीके से प्यार से पीना है। ये देखिए आप, स्मोक वन सेशन में ही इसका स्मोक स्टार्ट हो चुका है। किस प्रकार से स्मूथ एंड वेरी डेंस स्मोक इसके अंदर आ रहा है। अगर आप इसकी जो कॉइल है अगर बार बार ख़राब होती है, तो इसका मतलब कि आप अगर लिक्विड इसमें नहीं डाल रहे हैं और आपने ऐसे ही इसे खींच लिया तो इसकी कॉइल जल जाएगी। तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी लिक्विड जो है आप इसकी हमेशा भर के रखें। अगर आप इसको लेस लिक्विड में चलाएंगे तो इसकी कॉइल एक मिनट के अंदर ख़राब हो जाएगी, जो मार्केट में आपको मिल जाएगी, लेकिन आपके लिए ये कम से कम कॉइल 6 महीना चलना चाहिए। और दूसरी चीज़, अभी आप देख रहे हैं इसके टैंक में, अगर आपका ये टैंक है, इसके अलग अलग पार्ट्स भी आते हैं, अगर टैंक का कोई भी पार्ट भी अगर टूट जाता है तो वो भी इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर आप लोग इसे चाहते हैं खरीदना तो www.alshan.in पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं, और हमारे इंस्टा पे भी ये आइटम ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे बाय कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो आप ज़रूर करिए, और हमारे फेसबुक को भी फॉलो ज़रूर करिए। और ये पूरा ई वेपिंग जितनी भी ई वेप आते हैं स्मोक के या किसी भी कंपनी के ई लिफ्ट के, उसी प्रकार का सेम मैकेनिज्म इसका है, लिक्विड डालिए और वेप की तरह स्मोक छोड़िए, तो जितना वेप में आपको स्मोक आता है उतना स्मोक इसमें भी आएगा आपको। एस्पायर प्रोटीएस के साथ में मजे लीजिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और कमेंट जो मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है उसे जरूर दीजिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंस्टाग्राम को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप उसे फॉलो जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं अलविदा लेता हूँ आपका, अपना शांतम सुपरस्टार, बाय बाय।